तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? नहीं यार, वो मज़ा नहीं आ रहा है। तो कैसे हैं आप लोग? नहीं यार, वो फील ही नहीं आ रहा। अपने कैरी भाई हैं, उनकी बात ही अलग है। खैर छोड़ो यार। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसे देखने के बाद आपके बूम होश उड़ जाएंगे। तो गाइस यार, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक एयर कंप्रेसर की। हाँ, तो चलो पहले इसे चालू करते हैं। राइट गाइस, तो यार हमारा ये जो एयर कंप्रेसर है, इसके अंदर अभी हवा भर चुकी है। आप देख सकते हैं कि 100 PSI से भी ज़्यादा इसके अंदर अभी हवा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो है कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो चलो उनका भी सेटअप कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सारा सेटअप हो चुका है, अब तैयार हो जाओ मैजिक देखने के लिए। तो गाइस यार, जैसे ही मैं इस नोजल को प्रेस करता हूँ, इसके अंदर से काफ़ी तेज हवा निकलती है। ओह, और अब देखना इसका मैजिक। गाइस मेरे पास यहाँ पर एक लाइट बल्ब है, नॉर्मली ये हवा में नहीं उड़ता है, देखो। लेकिन अब देखना मैजिक। राइट गाइस, तो देखा आपने किस तरीके से ये जो बल्ब है हवा के अंदर उड़ रहा था। मेरे जो हाथ है वो स्टेबल नहीं है, वरना जब तक ये मैं इसके अंदर से हवा मारता रहूंगा, ये जो बल्ब है ये हवा के अंदर उड़ता रहेगा। कमाल हो गया यार, मैं सोच रहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपने देखा। एक बार ट्राई करते हैं। राइट गाइस, देखा आपने। चलो कुछ और चीजों को भी ट्राई करते हैं, जैसे कि इस बॉल को। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से हम जो है चीजों को हवा में उड़ा सकते हैं। कहने को तो ये चीज आपको नॉर्मल लगेगी, आसान लगेगी, लेकिन भाई लोगों, ये एरोडायनेमिक्स है। इसके बलबूते पे तो बड़े बड़े हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से हमने सिर्फ हवा की मदद से जो ग्रेविटी है उसको चकमा दे दिया और चीजों को हवा में
उड़ाया। तो आई होप यार गाइस ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपके इसकी नेक्स्ट वीडियो में। एक बात तो बताना भूल ही गया, घंटा भी दबा देना यार, और जो घंटी है ना उसको भी बजा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपके इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।